कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम टॉपिक ले रहे हैं शेफ दी कुजीन के बारे में। जी हाँ, शेफ दी कुजीन। अब आप बोलोगे ये क्या नई पोजीशन आ गई, अभी तक तो हमें कॉमीज, CDP, सूस शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ के बारे में पता था। मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस में डिस्कस करा है एग्जीक्यूटिव शेफ के बारे में। कई सारी पोजीशंस अभी भी रह गई है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, पर आज हम लोग बात करने वाले हैं शेफ दी कुजीन के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है हमारे किचन की। अगर आपको जानना है शेफ दी कुजीन क्या होता है तो आपको वीडियो को आखिर तक देखना ही होगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है कि आप लोग भी शेफ दी कुजीन बनने की राह पे चल पड़े। तो चलिए, और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाल वाला बटन दबा देना और साथ में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी आपके पास जो नए वाली वीडियोज़ हैं वो आ पाएंगी। साथ साथ मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक RSS किचन के नाम से चैनल है, उनका चैनल के बारे में बता रहा हूँ। आप जाएँ तो उसको क्लिक करके उनके चैनल पर जा सकते हैं और उनके चैनल पर आपको मिलेंगी बहुत सारी खाने की वीडियोज़, साथ साथ कार्विंग की भी वीडियोज़ हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप में से भी कोई वीडियोस बनाता है तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा या मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा और हम आपके वीडियोस भी जरूर शेयर करेंगे, जरूर आगे देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शेफ दी कुजीन एक फ्रेंच का टर्म है जिसका मतलब है किसी भी एक कुजीन में स्पेशलिटी हासिल करना। इंडियन, इटालियन, जैपनीज, थाई, इस तरीके की हमारी पोजीशंस होती है, या हमारा एशियन शेफ़ करके हम लोग एक बना देते हैं जो कि पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करता है, या हम लोग कॉन्टिनेंटल शेफ़ बना देते हैं जो पूरे की हमारे 42 कंट्री है उनको रिप्रेजेंट करता है। अब इसका काम क्या होता है, क्या ये एग्जीक्यूटिव शेफ़ से बड़ा होता है, क्या ये एग्जीक्यूटिव शेफ़ से छोटा होता है, इस बारे में बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव शेफ़ जैसे कि आपको पुरानी वीडियो में मैंने बताया है पूरे किचन डिपार्टमेंट का आप कह सकते हैं कि हेड होता है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होता है। कॉमीज़ जो लेवल होता है वो अपने CDPs को रिपोर्ट करता है, CDPs अपने सू शेफ्स को रिपोर्ट करती हैं, और ये सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम दिक्कतें होती हैं वो रिपोर्ट करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव शेफ़ को। एग्जीक्यूटिव शेफ़ उस पूरी रिपोर्ट्स को रेडी करता है और डेली बेसिस पे वो GM को ऐसे अपडेट कर उसके बारे में GM को अपडेट करता है, और बाकी वो जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है होटल को चलाने में उनको से कोऑर्डिनेट करता है और होटल के ऑपरेशन को स्मूथ चलाने में बिल्कुल ही मददगार होता है या सहायता करता है। और होटल्स की इसको आगे कैसे ले जाना है, इसकी सेल्स कैसे बढ़ानी है, किस प्रकार के आने वाले टाइम में आपके आपके होटल्स में जो एक्टिविटीज़ होंगी फूड से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें वो प्लान करता है। तो ये सारा काम हो जाता है एग्जीक्यूटिव शेफ़ का। और एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ के पास इतना सारा काम करने के बाद इतना टाइम ही नहीं बचता है कि वो किसी एक सेक्शन में जाके या किसी एक डिपार्टमेंट में जाके काम करे, उन लोगों को बंदों को बताए कि प्रैक्टिकली करके कि ऐसा कैसे करना है, जो कि बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। और दूसरा, हमारे इंडस्ट्री में, हमारी होटल इंडस्ट्री में, इंडियन होटल इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि 90% जो एग्जीक्यूटिव शेफ्स बनते हैं होटल्स के, मैं आपके बड़े होटल्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनते हैं वो कॉन्टिनेंटल बेस के ही होते हैं, वो इंडियन कुजीन के बेस उनका होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है जो एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ है किसी होटल का, तो उसको इतना डेप्थ नॉलेज नहीं होता किसी दूसरी कुजीन के बारे में या किसी दूसरी या कई सारी कुजीन के बारे में। हो सकता है कि उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज ज़रूर हो। जी हाँ, एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना, हर डिपार्टमेंट का होना ज़रूरी है, पर ये नहीं कि उसे एक डिपार्टमेंट का अच्छे से नॉलेज होगा। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में ये पोजीशन होती है शेफ दी कुजीन, जो फ्रेंच की टर्म होती है, और ये हर एक कुजीन में स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कि हमारी इटालियन कुजीन ले लीजिए, या हम लोग कॉन्टिनेंटल कुजीन हम लोग बोलते हैं। अब एक होटल में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे कॉन्टिनेंटल खाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे कॉफ़ी शॉप में भी कॉन्टिनेंटल खाना चल रहा है, हमारे बैंक्वेट्स में भी कॉन्टिनेंटल खाना चल रहा है, उनके पास एक इटालियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल खाना जाता है या बनता है, तो उन सब का एक हेड अलग से बना दिया जाता है जिसको कि हम लोग शेफ दी कुजीन बोलते हैं। तो उस होटल में जो भी कॉन्टिनेंटल फूड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका रिस्पॉन्सिबल शेफ दी कुजीन होता है। जी हाँ, सेम अगर इसे हम लोग इंडियन इंडियन शेफ़ की बात बोलते हैं या CDC भी बोलते हैं हम लोग इसको, शेफ दी कुजीन, वो एक इंडियन कुजीन का स्पेशलिटी होगी होगा। अब बैंक्वेट्स में आपके खाना जा रहा है, आपका इंडियन का कोई रेस्टोरेंट है, तंदूर का अलग से रेस्टोरेंट है, बार का अलग से रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे जो भी इंडियन खाना जा रहा है वो उसकी जिम्मेदारी होगा, क्योंकि उसको उसके बारे में डेप्थ नॉलेज है, बिल्कुल अच्छे से मालूम है। क्योंकि सू शेफ्स तो हर डिपार्टमेंट में होंगे, पर हर डिपार्टमेंट में एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ नहीं हो सकता है। तो एक शेफ़ दी कुजीन बनाया जाता है जो कि जितने भी सू शेफ़ होते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं, और वो उनको उनको हैंडल करता है, उनको टैकल करता है कि किस तरीके से हमें अपने डिपार्टमेंट्स में नए फूड प्रमोशंस करने हैं, क्या होना चाहिए, क्योंकि उसको बिल्कुल अच्छे से मालूम है और उसने बचपन से वही सीखा है इंडियन कुजीन के बारे में। तो इस प्रकार से जो शेफ दी कुजीन होता है उसका काम होता है।
बाकी एग्जीक्यूटिव शेफ़ तो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है, ये लोग भी अपने जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ को ही रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है कि हम हर मंत्रालय होता है अपनी तरफ से काम करता है और वो सारी रिपोर्ट्स अपने अपने जो पीएम होते हैं, पीएम हाउस होता है, उनको जाके देता है। तो उसी प्रकार से हमारे होटल्स में भी काम होता है। तो देखिए, अगर आज मैंने आपको बहुत ही इजी और आसान लैंग्वेज में बता दिया कि शेफ़ दी कुजीन क्या होता है, इसका क्या काम होता है, अगर आपके होटल्स में शेफ़ दी कुजीन कहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस होटल में काम करें और वहाँ पर शेफ़ दी कुजीन कौन है। आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल है, और आगे भी अगर आपके कोई भी कमेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।